फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका सपना मैं 2 साल से देख रहे थे। अच्छा लगा ये चला के, अभी डिलीवरी लेते फटाफट जाके। रात को बज रहा है, आप देख सकते हो 1:35। तो हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज है मेरा बाइक का डिलीवरी, लेकिन अभी हम मैंने फ़ोन किया था तो अभी फ़ोन करने के बाद बताया कि मुझे जो डिलीवरी देंगे वो 1 बजे से 2 बजे के अंदर में देंगे। और यहाँ पे पास में ही है मेरा शोरूम। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला ही नहीं है। मतलब आसपास हो भी सकता है कोई कोना, मुझे नहीं मालूम हो रहा है, तो इसलिए चाय पी लिया हूँ। अभी सीधा लंच ही करूँगा। क्या हुआ भाई, भालो तो? अच्छा, तो अभी देखता हूँ। अभी मेरा अभी टाइम बहुत बाकी है, डिलीवरी जो गाड़ी देना है बहुत टाइम बाकी है। तो अभी मैं फिलहाल होटल का रूम पे रुकता हूँ, उसका बाद सोचता हूँ क्या करूँ। अभी फिलहाल मैं रूम पे ही ऑर्डर किया हूँ, यहाँ पे होटल पे, यहाँ पे भी मतलब रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा महंगा है। इसीलिए मैं क्या सोचा, मैं बाहर पे ढूंढता हूँ होटल से छोटा मोटा, वहाँ पे रोटी वगैरह मिलते हैं। रोटी यहाँ पे है नहीं, पूरी सब्जी है, और पूरी सब्जी मैं तो खाता ही नहीं कभी भी। तो इसीलिए अभी यहाँ पे ब्रेड और चाय ऑर्डर कर दिए, तो इसको फटाफट खाते हैं। और शोरूम जो है अभी तक खुला नहीं है गाइस, तो 11 बजे खोलते होंगे शायद। तो फ़ोन किया था मैंने, तो 11 बजे के बाद ही जाएंगे, तो डिलीवरी जो है 1 बजे के बाद ही होगा। तो मैं इसीलिए क्या सोचा कि यहाँ पे 12 बजे तक यहाँ पे रुकता हूँ और सीधा डिलीवरी के लिए चला निकल जाता हूँ 12 बजे। उसका बाद डिलीवरी लेके बाइक लेके उसका बाद दूसरा वाला सस्ता वाला होटल ढूंढूंगा, इससे भी समझे ना। तो दोस्तों, अभी फिलहाल रूम से निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ शोरूम पे। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे यार, मत बोलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल शोरूम में जा रहा हूँ, और चलिए मेरा साथ। अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अभी चलिए फटाफट निकालते शोरूम के लिए। किसी को पता ही है कलकत्ता में अगर टैक्सी चलता है तो ये वाला ज़्यादा चलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ही कमती हो गया, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो गाइस, अभी मैं फाइनली BMW का शोरूम पे आ चुका हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ क्या क्या बाइक है, उसका बाद मैं इसको लेके टेस्ट ड्राइव करूँगा, उसका बाद ही मैं जो डिलीवरी है उसका बाद लूँगा। तो पहले मैं टेस्ट ड्राइव एक बार भी किया नहीं हो, तो एक बार टेस्ट ड्राइव करूँगा इसको। और देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है। तो आप लोग देखिए, मेरा ना पूरा चेस्ट का आस पास में आ चुके, तो कितना ऊँचा होगा आप सोच सकते हैं इसको। तो सबसे पहले एक बार टेस्ट ड्राइव करूँगा, उसका बाद तो आप लोग सबसे पहले अंडर में लेके चलते हैं और बाइक दिखाते हैं क्या क्या बाइक है यहाँ पे। और ये रहा BMW GS T10, जो उसका छोटा सा मतलब वर्जन है। ये वो हो गया बाप और ये गया बेटा, आप लोग देख सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये भी। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको टेस्ट ड्राइव करूंगा। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद मैं पागल सा हो गया गाइस, मेरे का जो मेरा फेवरेट जो बाइक है यही है। सो अभी देखिए, इसको मैं पहले टेस्ट ड्राइव करता हूँ, अभी इसको मैं राइड करने जा रहा हूँ। और जो सुबह भैया ना, तो सब जितना भी मुझे हेल्प किया है, शुभजीत भैया ने हेल्प किया है जितना गाड़ी लेने के लिए, और मतलब जितना भी गाड़ी लेने का जितना प्रोसेस है, तो इसको पहले अभी हम चला के अभी देखता हूँ, उसका बाद मैं डिलीवरी लूँगा, आने के बाद ही लूँगा। पहले सबसे पहले इसको अभी टेस्ट ड्राइव करता हूँ चल के। तो गाइस, ये चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मक्खन है, और जैसे लगता है जितना बड़ा लगता है, लेकिन चलाने के टाइम में इतना बड़ा नहीं लगता है। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चला के, अभी डिलीवरी लेते फटाफट जाके, डिलीवरी लेते हैं। और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा गाइस, क्या बताएं, चलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा। अभी फिलहाल हम लोग टेस्ट ड्राइव के लिए आए थे, और जब टेस्ट ड्राइव किया ना गाइस, मतलब मक्खन जैसा चलता है ये, और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज दिखाई देता है, लेकिन जब चलाएंगे इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं लगेगा, आपको छोटा ही लगता है, लेकिन देखने के लिए और पब्लिक रिएक्शन तो बोलिए मत। और फिलहाल हम लोग ये कौन सा रास्ता है पता नहीं, यहाँ पे चलाने के लिए था, खाली है रास्ता, थोड़ा फोटोशूट भी कर लिए और चला भी ले। तो अभी जाके सीधा शोरूम में अपना गाड़ी जो है उसको डिलीवरी लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लेने के लिए मैं 2 साल से सपना देखता था, वो सपना जाके आज पूरा होने वाला है, और कुछ ही टाइम पर जो बाइक मुझे डिलीवरी दिया जाएगा। तो और शोरूम जो है आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही महंगा बाइक है। ये GS 310 है, वो GS 1250 और ये GS 850 ज़्यादा मैंने इतना वीडियो में इतना मैंने इसका बारे में इतना नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ 1250 के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बता सकता हूँ। और ये रहा शोरूम कलकत्ता पे, ये शोरूम का बाहर में भी एक है वहाँ पे, होंडा का शोरूम है यहाँ पे। तो चलिए अभी फटाफट से डिलीवर लेते हैं, और डिलीवर लेने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा बाइक है। कौन, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सा बाइक है, आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है यहाँ पे, कौन सा हो सकता है आप खुद बताइए गाइस। तो देखिए, आप डिलीवरी लेने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा बाइक लेने वाला हूँ मैं।
तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका सपना मैं 2 साल से देख रहे थे। यहाँ पे रेडी हो चुका है अभी और यहाँ पे सब रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट से डिलीवरी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। निकल रहा हूँ, कौन सा बाइक है पता चल जाए आप लोगों को। सो गाइस फाइनली बाइक यही है BMW GS 310 और आप लोग देख सकते हैं कैसे लग रहा है बाइक। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद लग रहा था ये, इसको लेने के लिए मैं करीब 2 साल से सपना देख रहा था गाइस, जो आप लोगों को जैसे लास्ट टाइम वीडियो में बताया। तो अभी इसको लेके चलेंगे आज कहीं पे, मतलब यहाँ को इसको लेके फिर से इसको एसेसरीज भी बहुत ज़्यादा लगाना बाकी है अभी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बाइक का डिलीवरी अभी ले चुका हूँ यहाँ पे, ये रहा सर्विस सेंटर, यहाँ से बाहर में मैं अभी ले चुका हूँ और मतलब सर्विस सेंटर में इसको थोड़ा धुला उला दिए थे अच्छा से। तो अभी इसको निकाल के लेके जाएंगे सीधा और एसेसरीज का शॉप पे जाएंगे सीधा, एसेसरीज लगाना बाकी है यहाँ पे बहुत। बिना एसेसरीज का ये गाड़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और एसेसरीज लगाने का बाद ही इसको देखने में और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे गाइस, आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा क्या नाम रखने से अच्छा होगा। गाइस अभी यहाँ पे हम लोग एसेसरीज लगा रहे हैं, यहाँ पे जो क्रेज गार्ड है क्रेज गार्ड अभी लगा रहे हैं और बहुत काम यहाँ पे बाकी है अभी। अभी रात का बज रहा है 8:30, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा अभी यहाँ पे आज ही कर दूँ, क्योंकि अगर हो सके तो मैं सीधा बाइक चला के जाऊँगा अभी आसाम तक, तो इसीलिए मैं आज ही पूरा कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस BMW का शोरूम से जो गिफ्ट दिया गया था, तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या है और क्या दिया गया है। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि खोल के देखें, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुका था इसीलिए खोल के देखने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मेरा अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, यहाँ पे गार्ड जो क्रेस गार्ड है वो लग चुका है, अभी और काम बाकी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया अभी खोल के देखते हैं। ये हो गया कुछ पेपर हो गया BMW का और ये रहा केप और ये हो गया चाबी के लिए और ये एक हैंकी दिया गया है, हैंकी है ये क्या है ये। और एक चीज़ है यहाँ पे, क्या चीज़ है, किटबिट का चॉकलेट है। सो अभी काम चल रहा है, अभी रात का देख सकते हैं गाइस रात का 9:30 हो चुका है और काम करते करते शायद आज 12 बज जाएगा, तो मतलब 11 से लेके 12 बज जाएंगे, तो आज पूरा कंप्लीट कर देंगे आज का अंदर, और कल जाएंगे कहीं घूमने के लिए, तो इसीलिए आज ही काम कम्प्लीट करा रहा है भैया का साथ मिल के। तो हो जाइए उसका बाद ही फिर से दिखाते हैं हो जाने के बाद पूरा फाइनल लुक बाइक का। अच्छा अभी रूम पे आके पहुंच चुका हूं और रात को अभी बाज रहा है, रात को बाज रहा है आप देख सकते हो 1:35। तो काम अभी कंप्लीट हो चुका है और मैं बाइक को ऐसे से जहां मैं फिटिंग किया था गाइस वहां पे छोड़ के आ जाऊँ, क्योंकि होटल में पार्किंग नहीं है, है लेकिन रोड का साइड में है और नया गाड़ी है गाइस, तो इसीलिए मुझे छोड़ने का दिल नहीं किया, इसीलिए पार्किंग इसीलिए ऐसे का जो जगह था वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। और गाइस बाइक कैसे लगा है कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को भी बाइक पसंद आया होगा, जिसको जिसको बाइक पसंद आया है प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।